वेलकम वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरी आज की ये रेसिपी नहीं है, ये मेरा माशाल्लाह पहला ऑर्डर है जो मैंने बनाया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। अगर आपके पास भी खाने पकाने का हुनर है तो आप भी बड़ी आसानी से अपने ही एरिया से शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरे एरिया के जो यंग लड़के थे उन्होंने ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ इधर मींस के एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, यानी छत का व्यू जो है बहुत अच्छा है। तो ये जो चीजें हैं ये बच्चों ने ऊपर छत पे ही बैठ के अपनी छोटी सी पार्टी करनी है, जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। तो इस तरह मैंने चिकन को मसाला जार डाल के और इसमें मैं सिरका भी डाल के अच्छी तरह से रब करते हुए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी, यानी मिक्सिंग करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 3 घंटे के लिए। आप चाहें तो एक दिन पहले भी ये काम करके रख सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढाम के छोड़ दूंगी 3 घंटे के लिए, और इसके बाद मैं इसकी कोटिंग जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी मैदे की कोटिंग किस तरह करते हैं, किस तरह इसको मसल मसल के इसके क्रम्स निकालते हैं। तो ये करते हुए मैं साथ साथ इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दूंगी। फ्राई भी बड़ी जल्दी से हो जाता है, यानी 6 से 7 मिनट में टोटल ये फ्राई हो जाता है, यानी 3 मिनट एक साइड की तरफ और 3 मिनट दूसरी साइड की तरफ पलटते हुए। तो देखे कितने शानदार से क्रम्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं, यानी जिंगर हमारा जबरदस्त सा बन के तैयार हो गया। पीसेस भी हमने बड़े बड़े रखे हैं ताकि हमारी रेपो अच्छी हो। तो सॉसेज जो है वो मैंने बॉटल में डाल लिए हैं, इसमें मेयोनीज ये भी बॉटल में मैंने पोर कर ली थी, और इसमें बारबेक्यू सॉस जो सबसे अहम है, केचप भी मैंने खाली बोतल में पोर कर ली थी ताकि इसको लगाना आसान हो जाए, यानी असेंबल करना आसान हो जाए। तो सब पीसेस पे सबसे पहले मैं केचप इस तरह सब पीसों पे पोर कर लेती हूँ, और इसी के साथ कैबेज जो है ये मैं मुनासिब सी डाल के इसको स्प्रेड कर लेती हूँ। सभी पीसों पे एक जैसी कैबेज भी हम डालेंगे, और इस तरह करते हुए मैं इसके ऊपर जिंगर जो हमने तैयार किया था गर्मा गर्म, बहुत ही गर्म होता है, तो इसको भी साथ साथ मैं रखती जाऊंगी और इसके ऊपर एक एक स्लाइस चीज स्लाइस ताकि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। चिकन काफी गर्म होता है तो ये मेल्ट खुद बखुद ही हो जाता है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ऑनियन रिंग्स में कटा हुआ ये भी इसके ऊपर डाल दूंगी। आप ये ऑनियन अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस जो बहुत ही अहम होता है और इससे इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है, ये भी इसके ऊपर पोर कर देती हूँ सभी के ऊपर एक जैसी। और इसके बाद मेयोनीज भी हम अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा इसको भी पोर कर देते हैं, और सबसे ऊपर टॉप रख के इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो देखें कम टाइम में हमारे जबरदस्त से 12 पीस एक ही टाइम में तैयार हो जाते हैं। तो देखा जाए तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 250 थी जो मैंने 500 में सेल किया अपने एरिया के बच्चों के। देखा जाए तो जितना हमने बड़ा पीस रखा है उसके मुताबिक बच्चों ने इंतहाई खुश होके इसको खाया है, बहुत तारीफ किया है, और मजीद ऑर्डर्स भी मुझे मिलते हैं। अगर आप इस तरह का हुनर को आजमाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं गाहे बगाए अपने इस तरह के ऑर्डर भी आपके साथ शेयर करती रहूं। आपका भी हौसला बुलंद होगा इसको देखते हुए, और मैं कास्ट भी साथ साथ आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।